हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नायुबंधुओं के बारे में। स्नायुबंधु ये क्या होता है? लिगामेंट्स के बारे में। तो लिगामेंट क्या होते हैं, ये किससे बने हैं और इनका काम क्या होता है? पहले तो समझिए, आप तो जानते ही है ना कि हमारे हड्डी में 200, हमारे बदन में 206 हड्डियां हैं। हड्डियों के अलावा जोड़े भी होती हैं। तो जोड़ों का क्या काम होता है? मूवमेंट कराना। तो जब कोई भी चीज मूवमेंट कराता है तो उस चीज को संतुलित रखना अनिवार्य है। संतुलित मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन होना पड़ेगा दोनों हड्डियों के बीच में। तो ये जो रस्सियां हैं जो हड्डियों को जोड़ती हैं, मतलब एकजुट रखती हैं, उन्हीं को हम लिगामेंट या स्नायुबंधु बोलते हैं। ये लिगामेंट्स सारे जोड़ों में हैं, एड़ी से लेके घुटने से लेके कूल्हे में भी और रीढ़ की हड्डी में भी होती है। पर अलग अलग जोड़ों में अलग अलग तरीके के लिगामेंट होते हैं। नाउ ये लिगामेंट बेसिकली रस्सियां होती हैं, और ये रस्सियां जो है एक ही रस्सी से नहीं बनी, ये एक झाड़ू की तरह है। नाउ ये आप देख सकते हैं, झाड़ू जो है वो अलग अलग चीजों से बनी है जिनको हम फिब्रिल्स बोलते हैं। नाउ इन सब चीजों को एकजुट रखता है एक कवरिंग, प्लास्टिक कुछ भी बोल दो, ये इनको एकजुट रखता है ताकि आप इसको हैंडल से पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी रस्सियां जो है अलग अलग छोटी छोटी सी रस्सियों से बनी हुई है जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इन्हें एकजुट रखता है। नाउ ये जो लिगामेंट है ये बहुत मजबूत होती है, इनमें क्षमता होती है लोड लेने की, अलग अलग स्ट्रेचिंग करने की, पर ये टूटती नहीं है जब तक के जरूरत से ज्यादा लोड ना पड़े। और ये इसके ऊपर निर्भर है कि कितना लोड जा रहा है उस जोड़ के ऊपर। नॉर्मल लाइफ में इतनी जोर नहीं पड़ती कि वो आसानी से कोई जवान आदमी में टूट पाए, पर जब आप कोई खेल कूद करते हो या कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट इत्यादि, तो इनमें जरूरत से ज्यादा लोड पड़ सकती है और ये टूट सकती है। पर बुजुर्ग लोगों में जैसे उम्र बढ़ती है, जो भी चीज हर रोज लोड ले रही है ले रही है ले रही है, तो कभी कभी छोटी सी लोड से भी वो गिव वे कर सकती है या चोट लग सकती है। तो ये हुए दो तरीके इनमें चोट लगने की, ट्रॉमेटिक, चोट के कारण जोर से लगा फुटबॉल खेलते हुए, या ज्यादा जोर नहीं लगा पर बुजुर्ग आदमी था और टूट गया, उसको हम डीजेनरेटिव टेयर बोलते हैं। नाउ घुटने में, जिसका मैं एक विशेषज्ञ हूं, चार रस्सियां होती हैं। ये रस्सियां घुटने को आगे पीछे और ऐसे ऐसे जाने से रोकती है। नाउ ये कौन से रस्सियां हैं? आगे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका काम है घुटने को आगे जाने से रोकना और ट्विस्ट होने से रोकना। दूसरा है PCL, ये पीछे वाली लिगामेंट है। इसका काम क्या है? ये नीचे वाली हड्डी को पीछे की तरफ जाने से रोकती है। इसके अलावा अंदर की तरफ जो लिगामेंट है ये वाली, ये बहुत ही मोटी और मजबूत लिगामेंट होती है, इसको हम MCL या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। ये घुटने को ऐसे खुलने से रोकती है, और इसी का भाई बाहर की तरफ
इसको हम बोलते हैं LCL, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। ये घुटने को ऐसे खुलने से रोकते हैं। दो लिगामेंट घुटने के अंदर है, वो है ACL और PCL, और दो लिगामेंट घुटने के बाहर है जिनको हम बोलते हैं MCL और LCL। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लिगामेंट्स या स्नायुबंधों के बारे में काफी जानकारी मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।